बीएससी पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं भारत में मानसून विस्फोट की स्थिति की बात कर रहे हैं। अपन अध्ययन कर रहे हैं भारतीय जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय जलवायु में अपन वर्षा ऋतु का अध्ययन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में यानी मानसून का आगमन किस प्रकार होता है, तो मानसून के आगमन की बात करें, मार्च के बाद का अध्ययन करें तो मार्च के बाद में सूर्य की स्थिति कहां पर होती है, उत्तरायण होती है। अर्थात मार्च के बाद में सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करने लग जाता है और मार्च के बाद में अप्रैल मई और जून, जून में सूर्य कहां पहुंच जाता है, उत्तर दिशा की ओर पहुंच जाता है। जून माह में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर हमेशा तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा कहां से गमन करती है, भारत के मध्यवर्ती भाग से गमन करती है। अतः 21 जून के बाद में मार्च के जैसे बाद में भारत में गर्मी बढ़ने लगती है और जैसे 21 जून को सूर्य कहां सीधा चमकते हैं, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कब सीधा चमकता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर जब सीधा चमकता है तो भारत में तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जैसे भारत में तापमान अधिक होगा वायुदाब की स्थिति क्या हो जाती है, वायुदाब कम हो जाता है। अपन कम वायुदाब की बात करें तो इस समय कम वायुदाब का जो केंद्र स्थापित होता है वो एक तो थार मरुस्थलीय क्षेत्र के पास में स्थापित हो जाता है, इधर तिब्बतीय पठारी क्षेत्र हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के पास में स्थापित हो जाएगा और इसके साथ में पाकिस्तान के पेशावर और मुल्तान वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। इसी समय का अध्ययन करें तो नीचे वाले क्षेत्र की बात करें, नीचे वाले क्षेत्र में इधर अपना अरब सागर का पार्ट आ गया और इधर वाले भाग में क्या आ गया, बंगाल की खाड़ी आ गई। भारत में तो इस समय की स्थिति क्या रहती है, तापमान अधिक होगा और तापमान अधिक होने के कारण से भारत में वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इस समय का अध्ययन करें तो हिंद महासागरीय क्षेत्र में अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इधर वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें जब तिरछी पड़ती है तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण से यहां पर वायुदाब क्या रहेगा, उच्च वायुदाब रहेगा। नीचे कौन सा वायुदाब होगा, उच्च वायुदाब होगा। अब पवन किधर गमन करती है, पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। पवन का जो वेग प्रवाह होता है वो किधर होगा, उच्च दाब से निम्न दाब। अब पवन किधर से चलेगी, महासागरीय क्षेत्र से किधर की ओर चलेगी, स्थलीय क्षेत्रों की ओर चलेगी। इधर बंगाल की खाड़ी से चलेगी और इधर वाली पवन कहां से चलेगी, अरब सागर से चलेगी। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आने वाली पवन जब गमन करती है तो महासागरीय क्षेत्र से आती है और जब ये वाली पवन महासागरीय क्षेत्र से आती है तो आर्द्रता से परिपूर्ण होती है। जब ये वाली पवन आर्द्रता से परिपूर्ण होती है और इसको जैसी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है ये वर्षा करना प्रारंभ कर देती है। जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत में प्रवेश करता है तो ये वाला मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से प्रवेश करता है और जैसे ये मानसून अंदर प्रवेश करता है सबसे पहले भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, इन तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात जो ये वाले तटवर्ती क्षेत्र हैं, इन तटवर्ती क्षेत्रों में क्या होने प्रारंभ हो जाएगी, वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही मानसून आंतरिक भाग की ओर प्रवेश करता है इस समय मानसून दो शाखा के रूप में प्रवेश करता है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा जैसे यानी तटवर्ती क्षेत्रों से टकराकर गंगा के मैदान की ओर प्रवेश करती है, राजस्थान वाले क्षेत्र में अरावली पर्वतीय श्रृंखला समानांतर होने के कारण से ये दो शाखा के रूप में विभक्त हो जाती है। एक भाग इधर से पाकिस्तान वाले क्षेत्र की ओर निकल जाएगा और दूसरा भाग तापीय संकल्पना के कारण से सीधा कहां जाकर टकराएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से टकराएगा। इधर वाले भाग से अध्ययन करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा सीधी की सीधी कहां जाकर टकराएगी, हिमालय पर्वतीय श्रेणी से टकराएगी।
इस हिमालय पर्वतीय श्रेणी में उच्च चोटियां स्थित होने के कारण से यह मानसून को रोकने में समृद्ध होती है, और जब यह मानसून को रोकने में समृद्ध होती है तो इन क्षेत्रों में भयंकर वर्षा होती है। इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो गारो, खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं वहां पर मासिन राम गांव है मेघालय में, उसी स्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। पहले कहां पर हो रही थी? चेरापूंजी में, और फिर बाद में कहां पर हो रही है? अभी मासिन राम गांव में हो रही है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आ जाता है। इसके इधर वाले क्षेत्र का अध्ययन करें, इस क्षेत्र को अपन कहते हैं वृष्टि प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि प्रदेश कहा जाता है। जिस स्थान पर वर्षा होगी कौन सा प्रदेश हो जाएगा? वृष्टि प्रदेश। इधर वाले पीछे वाले भाग का अध्ययन करें तो पीछे वाले भाग पे वर्षा की मात्रा कम होती है, और यहां पर वर्षा की मात्रा कम होने के कारण से इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहेंगे? वृष्टि छाया प्रदेश। छाया प्रदेश का मतलब होता है यह ऑपोजिट दिशा में आ जाता है, विपरीत दिशा में आ जाएगा, अतः यहां पर सूखा पड़ने की स्थिति होती है, अर्थात यहां पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब कई बार स्थिति होती है मानसून पर अल नीनो और लानीनो प्रभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये वाली स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब हिंद महासागरीय क्षेत्र में उच्च दाब होगा और भारत वाले क्षेत्र में क्या होगा? निम्न दाब होगा। लेकिन इसी समय का अध्ययन करें तो इधर वाले भाग में जहां पर क्या आ जाता है? प्रशांत महासागर आ जाता है, और इस प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में गर्म जलधारा आ जाती है। जब इस क्षेत्र में गर्म जलधारा का आगमन होता है तो यहां पर कौन सा वायुदाब हो जाएगा? निम्न वायुदाब हो जाएगा। उसी समय हिंद महासागर में उच्च वायुदाब था, अतः यहां से पवन भारत की ओर प्रवेश न करके और सीधी किधर की ओर प्रवेश कर जाती है? प्रशांत महासागर की ओर प्रवेश कर जाती है। और इस समय की स्थिति क्या होती है? भारत वाले क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और भारत में वर्षा नहीं हो पाती है। अब अपन बात करते हैं अपने चौथी ऋतु की। तीन ऋतुएं हो गई, शीत ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई, और तीसरी अपनी आ गई वर्षा ऋतु। चौथी जो ऋतु आती है वो आती है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु। अपन ऋतुओं का अध्ययन कर रहे हैं, ऋतुओं में पहले अपन ने चार ऋतुओं का अध्ययन, तीन ऋतुओं का अध्ययन कर लिया था। अपनी चौथी जो ऋतु आती है उसको कहा जाता है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु। इसके साथ में इसको शरद ऋतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसको? शरद ऋतु भी कहा जाता है। ये वाली सितंबर से लेके 30 नवंबर, सेप्टेंबर से 30 नवंबर का जो समय होता है उसको क्या कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु। तो मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का आगमन किस प्रकार होता है? अपन पृथ्वी के संदर्भ में अपन ने अध्ययन किया था, सितंबर को सूर्य कहां पर सीधा चमक रहा था? भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा था। अब 23 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो इस समय संपूर्ण पृथ्वी पे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। भारत की स्थिति का अध्ययन करें तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात यहां पर पाया जाता है, और ये रेखा कौन सी थी? अपनी कर्क रेखा। ये बीच वाली कौन सी थी? भूमध्य रेखा। और नीचे साउथ में कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा। अब इन स्थितियों का अध्ययन करें, अपन बात कर रहे हैं मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का जो समय होता है वो सितंबर से लेकर नवंबर में होगा। अब 23 सितंबर को सूर्य कहां पर सीधा चमकेगा? भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। यहां सूर्य सीधा चमक रहा है
तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर तापमान अधिक होगा, यहां पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। जैसे जैसे सितंबर के बाद में सूर्य किधर की ओर गमन करेगा, मकर रेखा की ओर गमन करेगा, और मकर रेखा की ओर गमन करने के कारण से कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ने लग जाएगी और मकर रेखा की ओर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लग जाएगी। अतः कर्क रेखा पे तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान क्या होगा, कम होगा। और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसका उल्टा इधर वाले क्षेत्र में हो जाएगा, यहां पर तापमान अधिक हो जाएगा और वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब भारत की स्थिति के संदर्भ में अध्ययन करें, अब भारत की स्थिति के संदर्भ में अपन अध्ययन कर लें, ये वाली कर्क रेखा पे तापमान क्या हो गया था, कम हुआ, वायुदाब अधिक हो गया। इसी समय हिंद महासागरीय क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहां पर वायुदाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। अब पवन हमेशा किधर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, पवन किधर चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो पवन चलती है भारत वाले क्षेत्र से। उल्टा हो गया वर्षा ऋतु की अपेक्षा, भारत वाले क्षेत्र से हिंद महासागर की ओर चलती है, अर्थात स्थलीय क्षेत्र से कहां चल रही है, जलीय क्षेत्र की ओर चल रही है। सितंबर माह के समय का अध्ययन करें तो सितंबर माह में भारत वाले क्षेत्र में वर्षा होती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनमें मानसून वापस गमन कर जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटता हुआ मानसून, क्या होगा, लौटता हुआ मानसून। तो भारत में जैसे ही वायुदाब अधिक हुआ, भारत वाले क्षेत्र से पवन किधर चलने लग जाती है, जलीय क्षेत्र की ओर चलने लग जाती है। इस समय धरातलीय भाग में थोड़ी बहुत आर्द्रता पाई जाती है, क्योंकि उससे पहले क्या हुई थी, वर्षा हुई थी। अतः धरातल में क्या पाई जाती है, थोड़ी बहुत आर्द्रता पाई जाती है, नमी पाई जाती है। इस समय वायु में भी नमी पाई जाती है, अतः जहां पर अनुकूल परिस्थितियां मिलती है या जहां पर तटवर्ती क्षेत्र पाए जाते हैं उन तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा होती है। और इस वर्षा के औसत की बात करें अपन तो ये वर्षा कितनी होती है, 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस वर्षा को लौटते हुए मानसून की वर्षा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लौटते हुए मानसून की वर्षा कहा जाता है। इस समय प्रति चक्रवातीय दशाएं भी उत्पन्न हो जाती है। अब अपन बात करें तीन चीजों की, बात करते हैं अपन, एक अपन बात करें वायुदाब, दूसरा अपना था तापमान, और तीसरी बात कर रहे हैं अपन वर्षा की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है वायुदाब। वायुदाब की अगर अपन बात करें तो सितंबर माह के समाप्त होते ही सूर्य किधर पहुंच जाएगा, दक्षिण की ओर। सितंबर में तो कहां पे था, भूमध्य रेखा पे, पर सितंबर माह के बाद में सूर्य कहां पे पहुंच जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाएगा, जिसके कारण से भारत में पहले जो निम्न वायुदाब का केंद्र पाया जाता था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पर नवंबर तक तो ये किधर की ओर चला जाता है, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, यहां पर चला जाएगा, कहां पर जाएगा, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में चला जाता है। और इस समय का अध्ययन करें तो मानसून वापस लौटना प्रारंभ हो जाता है, वर्षा कम हो जाती है, मानसून पुनः लौटना प्रारंभ हो जाता है, और इसके कारण से कौन सी दशाएं उत्पन्न हो जाती है, प्रति चक्रवाती, कौन सी, प्रति चक्रवाती दशाएं उत्पन्न हो जाती है। अब प्रति चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होगी, प्रति चक्रवात का मतलब
केंद्र में क्या होगा उच्च वायुदाब और बाहर की ओर कौन सा होगा निम्न वायुदाब। तो इसे क्या कहा जाता है प्रति चक्रवातीय। तो कौन सी दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी प्रति चक्रवातीय दिशाएं उत्पन्न हो जाती है। और भारत में इस समय तापमान में क्या होने लग जाती है वृद्धि होने लग जाती है। अब मानसून लौटने का समय अलग अलग होता है, जैसे पंजाब वाले क्षेत्र से इधर वाले क्षेत्र से जैसे 15 सितंबर को मानसून लौट रहा है लास्ट में गया और जल्दी लौटता है, उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर आ जाएगा, महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर के आसपास से मानसून लौटने लग जाता है। और अंडमान निकोबार और इन द्वीप समूह का अध्ययन करें तो यहां पर मानसून दिसंबर के बाद तक लौटता है क्योंकि ये लास्ट में आते हैं, यहां पर पहले उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस समय पवन का अध्ययन करें तो पवन किधर चलती है उल्टी चलेगी, भारत से कहां चलती है विषुवत रेखा की ओर चलती है। तो वायुदाब की बात करिए इस समय का अध्ययन करें तो भारत में वायुदाब क्या हो जाता है अधिक हो जाता है और पवन स्थलीय भाग से कहां चलती है जलीय भाग की ओर। अब अपन बात करते हैं तापमान। जैसे जैसे सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है भारत वाले क्षेत्र में तापमान क्या होने लग जाते हैं कम होने लग जाते हैं। और अक्टूबर माह का अध्ययन करें तो यहां पर तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाते हैं तथा न्यूनतम तापमान का अध्ययन करें, अधिकतम 37 डिग्री होंगे और न्यूनतम तापमान का अध्ययन करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, कितने 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाते हैं। अब इस क्षेत्र में अध्ययन करें तो राजस्थान वाले क्षेत्र का जैसे अपन अध्ययन करें तो यहां पर दिन के समय 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो रहा है और रात के समय 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में हमेशा तापांतर अधिक पाया जाता है। तापांतर का मतलब होता है यहां पर तापमान का अंतर अधिक पाया जाता है क्योंकि यहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। अतः दिन जितना गर्म होगा रात उतनी क्या पाई जाती है ठंडी पाई जाती है। अब अपन बात करें वर्षा, अक्टूबर माह का अध्ययन करें तो अक्टूबर माह के प्रारंभ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब और हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा मानसून जहां पर सबसे लास्ट में गया था पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर वाला ये जो क्षेत्र आता है यहां पर लगभग लगभग वर्षा क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है। कौन से माह में अक्टूबर माह में। इस समय केवल उत्तरी पूर्वी भारत ये वाले जो क्षेत्र हैं इनमें और इनमें केवल तटवर्ती क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा होती है। और इस समय कोरोमंडल तट का अध्ययन करें ये नीचे वाला जो भाग आ जाएगा कोरोमंडल तट वाला भाग आ जाएगा तमिलनाडु वाला भाग आ जाएगा कर्नाटक वाला भाग आ जाएगा इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। और यहां पर वर्षा होती है वो 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर, कितनी 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इस वर्षा को अपन क्या कहते हैं लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है कहते हैं। इस समय जो अधिकांश वर्षा होती है वो वर्षा किसके द्वारा होती है चक्रवातों के द्वारा, किसके द्वारा होती है चक्रवातों के द्वारा होती है। तो ये चीज अपनी मानसून प्रत्यावर्तन की रीति। अब भारत के बारे में एक बात यह कही जाती है भारत में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है चाहे वो किसी भी प्रकार से हो लेकिन संपूर्ण भारत में कभी न कभी वर्षा जरूर होती है। भूगोलवेत्ता केंटू के अनुसार भारत में प्रत्येक महीने वर्षा होती है जनवरी फरवरी से ले अपन जनवरी और फरवरी दोनों में वर्षा होती है। और ये वाली वर्षा किसके द्वारा होती है चक्रवातों के द्वारा होती है। जनवरी फरवरी में चक्रवातों के द्वारा होगी, मार्च में पश्चिमी बंगाल और असम में वर्षा होती है, मई और जून तक होती है। जून से लेकर अक्टूबर तक का अध्ययन करें जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर ये वाली मानसूनी वर्षा होती है। अक्टूबर के बाद में नवंबर दिसंबर ये लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है। तो भारत के प्रत्येक महीने
किसी न किसी स्थान पर वर्षा जरूर होती है। अब बात आती है भारतीय मानसून की विशेषताएं, यानी भारतीय मानसून की क्या विशेषताएं पाई जाती है। भारतीय मानसून की क्या विशेषता पाई जाती है, तो सबसे पहली बात तो आती है भारतीय जो वर्षा होती है उसका 75% जो भाग होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। अपने जो मानसून आता है वो कौन सा आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। तो भारत की 75% वर्षा कौन से मानसून से प्राप्त हो रही है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता पाई जाती है भारत में एक और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, और दूसरी ओर अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है यानी सूखा पड़ता है। यह स्थिति होती है एक तरफ अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, अपन पेपर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एक बार खोलकर देखते हैं उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अंदर देखते हैं राजस्थान में मिट्टी में दरारें दिखाई देती है, राजस्थान में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो एक ओर तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है और दूसरी तरफ अकाल या सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मानसून का अध्ययन करें तो कभी तो समय से पहले आ जाता है, समय से क्या आएगा पहले, और समय से पहले क्या हो जाएगा लौट भी जाएगा। मानसून कभी तो समय से पहले आता है और कभी समय से पहले क्या हो जाता है लौट भी जाता है। चौथी बात करें मानसून का वितरण सभी जगह समान नहीं पाया जाता है, एक तरफ 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और एक तरफ मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो मानसून का जो वितरण पाया जाता है वो सभी जगह समान नहीं पाया जाता है, एक तरफ अत्यधिक वर्षा होती है और दूसरी तरफ वर्षा क्या होती है कम होती है। पांचवी बात आती है भारत में वर्षा रुक रुक कर होती है, कभी भी लगातार वर्षा नहीं होती है, आज वर्षा हो रही है 5 दिन 10 दिन 15 दिन वर्षा होगी फिर 10 दिन का अंतराल आ गया फिर वर्षा प्रारंभ होगी, रुक रुक कर होती है, कभी वर्षा अत्यधिक हो रही है और कभी वर्षा किसके रूप में हो रही है बौछार के रूप में वर्षा हो रही है। तीसरी बात आती है जो पहाड़ों के द्विमुखी ढाल होते हैं, एक तो मुखी ढाल होते हैं और एक होते हैं द्विमुखी ढाल। मुखी ढाल का मतलब होता है जैसे ये पर्वत है और सामने से पवन आ रही है, यहां रुकेगी और यहां वर्षा होगी, पीछे वाले भाग पे वर्षा नहीं होगी, तो ये मुखी भाग हो गया और ये कौन सा हो गया विमुखी भाग हो गया। तो हमेशा सामने वाले भाग पे वर्षा होती है और पीछे वाले भाग पे वर्षा नहीं होती है। ये था अपना भारतीय मानसून की विशेषता, जलवायु का टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।